तो ये देख सकते हैं पूरी जो लाइन है ना, पूरा ये वाला पोर्शन अलग ही खिसक है। देख रहे हो रिएक्शन क्या भाई? थैंक यू भाई। चलो लो भी अब, चलो चलो चलो। एक 220 किलो की बाइक उतारते इतना डर लग रहा था, और ये पूरा जो इस टाइम ब्रिज है ना ये हिल रहा है। हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और वेलकम बैक भाई अनदर वीडियो के लिए, स्वागत है आपका। तो आज हम जा रहे हैं शिवपुरी फिलहाल, और वहाँ पे सर कुछ प्री वेडिंग वगैरह चल रही है, दोस्तों वहाँ पे जा रखा है, तो हमने सोचा क्यों ना वहाँ पे जाके कुछ शॉर्ट वोट ले लिया जाए। और इसके बीच हम सोच रहे एक बार टेस्ट कर लिया जाए कि अपनी बाइक में आज चार मोड्स है, और चारों बाइक की चारों मोड्स की एक बार पावर आप लोगों को बता दी जाए। तो आज हो सकता है चारों मोड्स के अंदर पहले गियर के जो स्पीड है वो भी टेस्ट करें हम, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। भाई एक बार ना आपको रुक के प्रॉपर टायर का दिखा देता हूँ, अब तक मैंने इसके जो टायर घिसे थे मैंने पिछली बार बर्नआउट किया था उसकी अब तक धक धक है, तो एक बार रुक के एक बार आपको दिखाता हूँ प्रॉपरली टायर क्या हाल हो रखा है। पता है अगर आप लोगों को दिख रहा होगा ना पूरा क्लियर, तो ये देख सकते हैं पूरी जो लाइन है ना, पूरा ये वाला पोर्शन अलग ही घिसक है, और भाई ये पूरा दिल पे धक धक कर रहा है मेरे, और दिल में ना अब तक इसी का दुख है कि भाई मैंने बर्नआउट क्यों मारा। तो अब जल्दी हम ट्रैक पैंट ले लें, और भाई क्या रिएक्शन आ रहा है लड़की का ना, ऋषि को कैसे देख रही हो भाई ये अलग था पूरा फियर था ब्लैक होके चल रहा है ऋषि। चलो ठीक है दोबारा एक बार रिएक्शन लेते हैं। हाय गाइस, देख रहे हो रिएक्शन? R15 की फैन फॉलोइंग तो बहुत तगड़ी है यार, ऊपर से ना इसका लुक इतना स्पोर्टी दे रखा है इन्होंने कि कोई भी देख के ना इसको अलग ही बाइक सोच देता है। R15 R1 रेड लाइट वगैरह कुछ नहीं है क्या? चलो ठीक है, अंकल ने वैसे कुछ कहा नहीं, फिर इन्होंने ब्रेक मार लेते हैं, मुझे लगा कि मैं गलत हूँ जो आगे जा रहा हूँ कसम से। और ये रिएक्शन बता रहे भाई कि साउंड कैसी आ रही है बाइक की, बाइक की हालत भी भाई पूरी खराब हो रखी है, पता है गंदी हो रखी है, काफी दिन से धुलवाई नहीं है, और काफी टाइम से उसको कम ही चला पा रहा हूँ, आज लेके निकला हूँ काफी टाइम बाद एक 30-35 किलोमीटर तक की राइड के लिए, और मे बी 50 किलोमीटर की राइड हो। गंगोत्री 335 किलोमीटर, किसी दिन गंगोत्री भी जाएंगे भाई इस बाइक को लेके। भाई मे भी पता नहीं क्यों मुझे इसके ब्रेक ना जो रियर ब्रेक है भाई वो कम लग रहे हैं, और एक बार मैं कंपनी में बात करूंगा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसके ब्रेक जो है वो पहले से कंपेयर करते हो अब कम हो चुके हैं काफ़ी, और हो भी सकता है सर्विस का टाइम आ रहा है, लगभग 1800 किलोमीटर बाद इसकी सर्विस होगी, तो मे भी इसके डिस्क पैड जो होंगे भाई वो चेंज होने वाले हैं, और इसका भी खर्चा मुझे लगता है ऐड करना पड़ेगा। हाँ, रोलर कोस्टर पर आ गया भाई मैं, इंडिकेटर दे रहे तो भाई इधर हो लीजिए मैं इधर से निकल जाऊंगा कोई दिक्कत नहीं है। गाइस काफी सारे रिएक्शन तो तभी आते हैं जब मैं कैमरा बंद कर देता हूँ। ओ भाई किधर जा रहे हो आप, इधर आओगे क्या? ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं भाई। गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में पता है खतरनाक रिएक्शन मिलने वाला है, बच्चा तो भाई कैसे देखे जा रहा है देखे जा रहा है। फिलहाल लोकल में धीरे चलते हैं, एक्चुअली लोकल में तेज नहीं चलना चाहिए, कहीं से भी कोई निकल के आ सकता है। ओके डीएल नंबर कावासाकी, ये मुझे खुद नहीं पता भाई, और भाई वीडियो बना रहे यार निंजा 300।
गाइस ट्रैफिक पार कर लिया हमने और बड़ी दिक्कतों के साथ। अब पता है मेन चक्कर क्या है, रिएक्शन कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन रिएक्शन लेने का मेरा मन नहीं करता क्योंकि ना छिछोरा कहलाया जाऊंगा, बार बार रिएक्शन की वीडियो डालता रहूंगा, मुझे ऐसा फील होता है कि लोग ना गालियां देंगे उस चक्कर में ना। तो अच्छे काम करो, लोग आपको अच्छे कामों के से पहचानेंगे, बार बार रिएक्शन में भाई पता है कुछ लोग गालियां देते हैं उस चक्कर में और बदनाम हो जाएंगे उसको लेकर। बच्चों के रिएक्शन सबसे जबरदस्त लगते हैं मुझे। निंजा इन द हाउस बेबी, एक सेकंड एक सेकंड। हरिद्वार हरिद्वार, क्या भाई, थैंक यू भाई। तुम दिल्ली से आओ क्या, घूम रुड़की नंबर दिल्ली है ना। भाई यहाँ के पुलिस वाले ना, ऋषिकेश के पुलिस वाले ऐसे घूरते हैं, मुझे खुद ऐसा लगता है ये आज पकड़ेंगे। और ये भैया थैंक यू यार। और ये रिएक्शन वो बता रहे बच्चों को कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरे रिएक्शन कर सकते हो, लेकिन बच्ची है कि वो रिएक्शन देने का नाम ही ले रही है, उसको एक ही जो फेस बना रखा है उसने उसको उसी में रहना है। भाई ऐसे रिएक्शन पहली बार देख रहा हूँ, फेस पे कोई असर ही नहीं पड़ रहा पता है। एक बार को उसके घर वाले भी देख देख के ऐसे यार, लेकिन बच्चे को कोई असर ही नहीं पड़ रहा। लैंड स्लाइड किस कदर हो रखी है देख सकते हैं। तो गाइस फिलहाल मुझे लगता है शिवपुरी पास ही है, पूरा यहाँ से ना पूरी गंगा जी दिखाई दे रही है, और वहाँ पे एक दो रील्स वगैरह बनाएंगे आप लोग, अगर चाहे तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं भाई, जिन्होंने नहीं किया वो कर लेना भाई, फैजल लैडर के नाम से आपको मिल जाए। मुझे लगता है गाइस हम पहुँच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे, मुश्किल से 1-2 किलोमीटर रह गया होगा क्योंकि यहाँ भी पीछे यहाँ पे राफ्टिंग का पॉइंट था, जो 14 किलोमीटर की राफ्टिंग होती है वो यहीं से होती है। और हेलो भाई हेलो, पता है इस साइड हम इसलिए नहीं आते हैं, यहाँ पे ना लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती है, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो रखी है और बहुत गंदा लैंडस्लाइड होती है। अभी फिलहाल सर्दियों में तो शायद कुछ इश्यू नहीं आएगा, लेकिन बारिश के मौसम पे ना और गर्मियों में यहाँ पे बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए इस रोड पर हम जाते हैं सिंगर वाली पे, और इसलिए हम नरेंद्र नगर की जो रोड है वो प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे ना एक तो रोड अच्छी है और लेन अच्छा करने को मिल जाता है, साथ साथ वहाँ पे लैंडस्लाइड बहुत कम होती है, इधर ज़्यादा होती है। गाइस मुझे लगता है बहुत हैवी स्टंट करने वाले हम लोग, शूटिंग 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 आ रहे भाई, हम नीचे आ रहे हैं, हम हैवी स्टंट करने वाले आज। उस पुल के ऊपर जाएंगे हम, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, शायद अब दिखा होगा। क्या भैया, तो भाई रास्ता तो यहाँ का बहुत पतला है, लेकिन मज़ा आएगा यहाँ से जाने में भाई, डर तो लगता ही है। अरे भाई ये जो मोड़ है ना भाई, यहाँ पे बुलेट से जब मैं आया था ना पहली बार, रुको भैया भाई, मेरी तो बहुत मुश्किल से निकली, एक मिनट को आऊँ क्या। चलो लो भैया, चलो चलो चलो, कट गई पूरी, कट गई, निकल जाएगी भैया, सीधी काट दो। कट गई, अरे अरे भैया ब्रेक पे, पिछले ब्रेक पे पैर रखो, इधर ले लो भैया,
रुको 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 रुको, ये चेक करो लोकेशन। एक्चुअली हम लोकेशन पे पहुंच गए और गोप्रो की जो बैटरी थी ना वो एंड टाइम पे डाउन हो गई, और वहाँ से जो नीचे उतार के आया भाई बाइक 220 किलो की बाइक उतारते, इतना डर लग रहा था। और ये पूरा जो इस टाइम ब्रिज है ना ये हिल रहा है, इसके ऊपर से हम भी बाइक लेके आए हैं, तो यहाँ पे एक प्रॉपर शॉट लेंगे। और मुझे लगता है पहली जीनोस तो ऐसी होगी जो ऐसे ब्रिज पे आई होगी, इतने हल्के से ब्रिज पे। और भाई डर तो बहुत लगा एक्चुअली ना, क्योंकि अगर मैं अपोजिट साइड अपने उससे बाइक को ना झुक रही थी बाइक, तो इतना हैवी वेट ना एक्चुअली डर लग रहा था, पहली बार ऐसा कर रहा था इतनी भारी बाइक के साथ। तो यहाँ पे चलता है प्री वेडिंग शूट, और अभी यहाँ पे अपना दोस्त आया था तो हम उससे मिलने आ गए। मैंने चलो ठीक है सैटरडे भी और एक राइड भी हो जाएगी, और व्यू देखिए भाई कितना अल्टीमेट व्यू आता है यहाँ पे। तो अभी जाते हुए देखते हैं, जाते हुए शायद इतनी दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ना मेन चक्कर क्या है, जब बाइक नीचे लाते हैं ना तो ढलान पे ना बड़ी दिक्कत होती है बैक करते हुए, क्योंकि वो टर्न ऐसे भाई एकदम से सी टाइप का, वहाँ पर ना कर नहीं पाते। अगर लाइट वेट बाइक हो तो ईजिली कर सकते हैं, लेकिन इसे बैक करने में बड़ी दिक्कत हुई। और भाई जैसे तैसे मैंने बाइक मोड़ी है, अभी जाते हुए दिखाऊँ कितने हार्ड टर्न थे, कितने मुश्किल था। तो अभी चलते हैं बाइक को लेके। गाइस देख सकते हैं इस पुल पे ट्रैवल करते हुए कितना थोड़ा बहुत डर लग रहा है, और आते हुए ज़्यादा लग रहा है फिलहाल, अभी तो इतना ही लग रहा। और यहाँ पे चल रही है प्री वेडिंग शूट, भाई पूरा पुल हिल रहा है। अब यहाँ पे जाते हुए लगे हुए डर एक्चुअली। अभी आप देख सकते हैं भाई फोटो क्लिक कर रहा है मेरी, शायद मेरी कर रहा है किसी और की कर रहा है, मुझे खुद नहीं पता। भाई अब डर लग रहा है पता है, मुड़ गई भाई, पता है उतारते हुए बड़ी दिक्कत हो रही, और चढ़ाते हुए इतनी दिक्कत नहीं, चढ़ तो आराम से नहीं, उतारते हुए दिक्कत लग रही थी। लगा दूं बाइक को कुछ होगा तो नहीं। तो भाई फिलहाल बाइक पार्क कर रहे हैं और अपने दोस्त से मिलने चलते हैं, वो काफ़ी देर से शूटिंग में लगा हुआ है। यहाँ पता नहीं लगा, देख रहे हो भाई कैसे कैसे कर रहे हैं। और नीचे उतरते टाइम तो बड़ी दिक्कत लग रही थी, बाइक सेफ तो खड़ी जाएगी ना अपनी, ठीक भाई बड़ी दिक्कतों के साथ नीचे उतरना पड़ेगा। और इन जूतों में पता है राइडिंग गियर्स में बड़ी दिक्कत होती है, और इशू भाई तो उतर गए जैसे तैसे। अब अपनी बारी है, जय गंगा भैया। ओ भाई देख सकते हैं लुक कितना प्यारा आता है, यहाँ से जो व्यू है ना वो अलग ही है। और हम मिलने जा रहे हैं अपने कालू भाई से, जिस पर्पज़ से हम आए थे उस पर्पज़ को पूरा करके ही जाएंगे। एक्चुअली हम पहले उधर चले गए, वो इधर इस साइड था, वो पहले हम जो थे ना वो सामने था वहाँ पे पुल के पार करके। और अब हम आए गौरव भाई से मिलने, चस्कर फोटोग्राफी। सो गाइस एक बार पहुँच चुके हैं हम लोग, और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और जो भाई जो नए भाई अपने वो सब्सक्राइब करे भी ना मत जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, राइड सेफ एंड लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।